टॉप 7 रिचेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड 2023 2023 में दुनिया के 7 सबसे अमीर तरीन खिलाड़ी। नंबर 7, जैक कैलिस, उम्र 47 साल, नेटवर्थ 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स, मुल्क साउथ अफ्रीका। दोस्तों, जैक कैलिस क्रिकेट की तारीख के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक हैं, जो कि साल 1990 से 2013 तक साउथ अफ्रीका की टीम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत से खेलते रहे हैं। और जैक कैलिस ने अपने कैरियर के दौरान 25,000 से ज्यादा रन स्कोर किए, जबकि वो 600 विकेट लेकर दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में भी शामिल हैं। इसके साथ साथ इनके बारे में ये भी मशहूर है कि वो ट्रांसजेंडर हैं। आज इनकी नेटवर्थ 70 मिलियन डॉलर्स के लगभग है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 2,100 करोड़ रुपए बन जाती हैं। जैक कैलिस ने इसमें से ज्यादातर पैसा स्पॉन्सरशिप्स और ब्रांड एंडोर्समेंट से हासिल किया है। वो अपने मुल्क साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन में एक लग्जरी बंगले के मालिक भी हैं, जिसकी कीमत 2 मिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर है। इसके साथ साथ वो बहुत सी लग्जरी कारें भी रखते हैं, जिनमें एक पोर्शे कियान, एक मर्सिडीज बेंज ML63 AMG और एक ओडी S5 भी शामिल हैं। जैक कैलिस ने अपने मुल्क साउथ अफ्रीका में बहुत सी इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है, जिसमें एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी कॉर्ने शामिल है। इसके अलावा क्रिस्टोफोरे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी और साउथ अफ्रीका में एक फास्ट फूड की चेन फिश एंड चिप्स को भी शामिल है। जैक कैलिस आज गरीबों की मदद करने में भी बहुत हिस्सा लेते हैं, और इन्होंने द जैक कैलिस फाउंडेशन भी बना रखा है, जो कि एक ऐसा इदारा है जो अफ्रीका में मौजूद गरीब बच्चों की तालीम का बंदोबस्त करता है। नंबर 6, शेन वॉटसन, उम्र 42 साल, नेटवर्थ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स, मुल्क ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट खिलाड़ियों की लिस्ट में हमारे पास नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले शेन वॉटसन आते हैं, जो कि एक जबरदस्त ऑलराउंडर हैं और अपनी धुआंधार बल्लेबाजी की वजह से किसी भी वक्त मुखालिफ टीम की कमर तोड़ने की सलाहियत रखते हैं। वो जदीद दौर के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक हैं और इन्होंने अपने कैरियर में अभी तक 11,000 रन स्कोर किए हैं, जबकि 300 विकेट भी हासिल की हैं। वो खास तौर पर अपने जारहाना खेलने के अंदाज की वजह से मशहूर हैं। शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया में बहुत सी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के मालिक हैं, और इनके पास एक ओडी Q5 और एक वॉल्वो XC60 के अलावा कुछ दूसरी गाड़ियां भी मौजूद हैं। इंडिया आकर IPL के दौरान इन्होंने बहुत सी ब्रांड एंडोर्समेंट्स में भी हिस्सा लिया। इनकी इमारत की बड़ी वजह इनकी आला तनख्वाह है, जो कि ये अपने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की टीम के अलावा मुख्तलिफ लीग्स की तरफ से खेल के भी हासिल करते हैं, जिनमें पाकिस्तान और भारत दोनों की क्रिकेट लीग शामिल है। नंबर 5, रिकी पोंटिंग, उम्र 48 साल, नेटवर्थ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स, मुल्क ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, रिकी पोंटिंग ना सिर्फ क्रिकेट की तारीख के बेहतरीन कप्तानों और बल्लेबाजों में से एक हैं, बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया की इस वक्त टीम के कप्तान थे, जो कि 1995 से 2010 के दौरान क्रिकेट की तारीख की बेहतरीन टीम कहलाई जाती थी। वो इस नाकाबले शिकस्त टीम के कप्तान थे और इन्होंने अपने बैटिंग कैरियर के दौरान 70 सेंचुरियां स्कोर की हैं, और इनसे ज्यादा सेंचुरियां सिर्फ सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने ही बनाई हैं। एक कप्तान के तौर पर रिकी पोंटिंग ने 324 मैचेस खेले, जिनमें से 220 में वो फतायाब रहे, और किसी भी कप्तान का ये बेहतरीन स्कोर है। इन्होंने अपने कैरियर में तकरीबन 28,000 रन स्कोर भी किए, और वो टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट्स में दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। आज इनकी दौलत का एक बड़ा हिस्सा क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया और एक लीग की तरफ से खेलने की वजह से आया है। इनकी सालाना इनकम 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है। इनके पास ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न के एक पोश इलाके गोल्डन माइल ऑफ ब्राइटन में एक लग्जरी डिजाइनर हाउस भी मौजूद है। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सा पैसा रियल एस्टेट के बिजनेस में लगा रखा है, और आज वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सी जमीनों के भी मालिक हैं। रिकी पोंटिंग दुनिया क्रिकेट में एक हम्बल इंसान समझे जाते हैं, और इनका ना तो कभी कोई स्कैंडल सामने आया, ना ही इनका कभी किसी से कोई फड्डा हुआ है। आज इनकी नेटवर्थ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स के लगभग है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 3,000 करोड़ रुपए बन जाते हैं। नंबर 4, MS धोनी, उम्र 42 साल, नेटवर्थ 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स, मुल्क इंडिया। दोस्तों, भारत के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दुनिया भर में अपनी धुआंधार बल्लेबाजी और अपनी छक्के मारने की स्पेशल टेक्निक हेलीकॉप्टर शॉट की वजह से जाने जाते हैं। वो 2008 से 2017 तक भारत के कप्तान भी रहे, और आज वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होके भी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं। महेंद्र सिंह धोनी सालाना अपनी टीम से 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स कमाते हैं, और
2010 से 2023 के दौरान इनकी टीम 8 दफा आईपीएल की लीग जीत चुकी है। धोनी को इनके स्टाइल की वजह से कैप्टन कूल भी कहा जाता है। वो अफरीदी की तरह लंबे लंबे छक्के मारने की वजह से भी जाने जाते हैं। इन्होंने अपने कैरियर के दौरान तकरीबन 18,000 रन बनाए हैं और एक कप्तान के तौर पर 60 बार नॉट आउट रह चुके हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज इनकी नेटवर्थ 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स के लगभग है, जो कि पाकिस्तानी 3,750 करोड़ रुपए बन जाते हैं। इनकी दौलत में पिछले 5 सालों में तकरीबन 40% से ज्यादा इजाफा हुआ है। इनकी कमाई का एक बड़ा जरिया वो पैसा है जो इन्होंने 20 से ज्यादा मुख्तलिफ कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है। आज वो एक टीवी कमर्शियल का भारतीय 5 करोड़ रुपए वसूल कर लेते हैं। धोनी को मोटरसाइकिलों का जुनून की हद तक शौक है और इनको ये एहसास भी जाता है कि इनका शुमार दुनिया के उन लोगों में होता है जिनके पास हैवी बाइकों की एक प्राइवेट सबसे बड़ी कलेक्शन मौजूद है। इनके पास एक घर में एक जगह पर 100 से ज्यादा सुपर बाइक्स मौजूद हैं, जिनमें यामाहा RX-135, हार्ले डेविडसन फैट बॉय, डुकाटी 1098, कावासाकी निंजा ZX-14 हार, सुजुकी हायाबुसा, इनकी मशहूर कॉन्फेडरेट X-132 हेलकैट, जो कि दुनिया की सबसे महंगी मोटरसाइकिल है। इसके अलावा निंजा H2 और कुछ दूसरी मोटरसाइकिलें भी शामिल हैं। आपको ये बात जानकर ज्यादा हैरत होगी कि इनकी कुछ मोटरसाइकिलें भारतीय 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मालियत की हैं। इसके साथ साथ इनकी कार कलेक्शन में एक पोर्शे 911, एक हमर H2, एक रोल्स रॉयस, लैंड रोवर, पजेरो, महिंद्रा और ओडी Q3 भी शामिल हैं। इनमें से कुछ कारों की कीमत भारतीय 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। धोनी भी बहुत ही कूल और हम्बल किस्म के इंसान हैं और इनके दीवाने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान और दुनिया भर में पाए जाते हैं। नंबर 3, शाहिद अफरीदी, उम्र 46 साल, नेटवर्थ 150 मिलियन अमरीकी डॉलर, मुल्क पाकिस्तान। दोस्तों, साहबजादा मोहम्मद शाहिद खान अफरीदी क्रिकेट की दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा धुएंधार बल्लेबाजों में से एक हैं, जो कि तबाहकुन बल्लेबाजी और जबरदस्त स्पिन बॉलिंग की वजह से किसी भी वक्त मुखालिफ टीम को खत्म कर देने की सलाहियत रखने की वजह से जाने जाते हैं। इनको बार बार छक्के लगाने की वजह से बूम बूम या फिर लाला के नाम से भी याद किया जाता है। अफरीदी इस वक्त दुनिया में मशहूर हुए जब इन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में दुनिया की तेज तरीन सेंचुरी बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इन्होंने 102 रन सिर्फ 37 बॉलों पर बनाए और हमेशा के लिए ही क्रिकेट का नक्शा बदल के रख दिया। शाहिद अफरीदी ने ये रिकॉर्ड 4 अक्टूबर 1996 को बनाया और इनका ये आलमी रिकॉर्ड 17 साल तक कायम रहा। अगर आप जानते हैं कि दुनिया की तेज तरीन सेंचुरी बनाने का ये रिकॉर्ड अफरीदी का किसने तोड़ा था, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। अपने शानदार कैरियर के दौरान लाला ने 12,000 रन बनाए हैं, जबकि 550 विकेटें भी हासिल की हैं। वो एक बाकमाल ऑलराउंडर थे और आज इनकी नेटवर्थ 150 मिलियन अमरीकी डॉलर से भी ज्यादा है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 4,500 करोड़ रुपए बन जाते हैं। अफरीदी की इस दौलत का एक बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट और दूसरी इन्वेस्टमेंट से आया है और आज वो अपनी रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में मॉडलिंग भी कर रहे हैं। अगर अफरीदी के बारे में ये कहा जाए कि इन्हें जहां से पैसा बनाने का मौका नजर आता है ये खुद जाते हैं, तो गलत ना होगा। हर ईद के ऊपर कराची में इनकी लगाई गई बकर मंडी भी लगती है, जहां पर इनके लाए गए जानवर बेचे जाते हैं। शाहिद अफरीदी अपने कजन जावेद अफरीदी के साथ पेशावर जलमी नामी टीम के भी मालिक हैं। लाला पेप्सी, हबीब बैंक, हेड एंड शोल्डर और मोबलिंग के इश्तहारात में काम भी कर चुके हैं। इसके साथ साथ इन्होंने शाहिद अफरीदी स्टोर्स के नाम की अपनी एक चेन बनाई हुई है, जहां पर ये मर्दाना कपड़े भी बेचते हैं। जहां तक इनकी कार कलेक्शन की बात की जाए, तो इनके पास एक टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो मौजूद है, एक बेंटले कॉन्टिनेंटल, एक पोर्शे पैनामेरा और इनके पास सुपर बाइक्स की अगर बात की जाए, तो इनके पास एक हार्ले डेविडसन वी रॉड, एक यामाहा वी स्टार 650 और एक सुजुकी हायाबुसा भी मौजूद है। शाहिद अफरीदी के 2 घर हैं, जिनमें से एक कराची में जबकि दूसरा पेशावर में मौजूद है। नंबर 2, विराट कोहली, उम्र 34 साल, नेटवर्थ 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स, मुल्क भारत। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों की लिस्ट में हमारे पास 2 नंबर पर भारत से ताल्लुक रखने वाले विराट कोहली आते हैं और ये कितने अमीर हैं, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा लें कि आज इनका इंस्टाग्राम 250 मिलियन फॉलोअर से भी ज्यादा का है और यहाँ पर किसी भी ब्रांड की प्रमोशन की एक पोस्ट लगाने का विराट कोहली 8.9 भारतीय करोड़ रुपया चार्ज करते हैं। विराट कोहली आज न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया
दुनिया भर के सबसे मशहूर खिलाड़ियों में से एक हैं, जिनको दूसरा सचिन या फिर द किंग के नाम से भी पुकारा जाता है। इनकी एक और वजह शोहरत, भारतीय मीडिया में इनका सुपर हीरो स्टेटस है और या फिर इनका अनुष्का शर्मा से रोमांस और फिर शादी है। इन दोनों की जोड़ी को विरुष्का का नाम दिया गया है। सचिन तेंदुलकर की तरह इन्होंने भी अपना कैरियर अंडर 19 क्रिकेट में ही शुरू किया था और आज वो अपने कैरियर की ऊंचाई पर है। क्रिकेट की तीनों इकसाम में इन्होंने कुल 25,000 रन स्कोर कर लिए हैं और अभी इनका एक लंबा चौड़ा कैरियर मौजूद है। आज विराट कोहली की कमाई का एक जरिया IPL की टीम और इंडियन क्रिकेट टीम में खेल कर आता है और वो हर साल क्रिकेट खेल के ही 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स कमा रहे हैं। इसके अलावा वो पूमा, ओडी और MRF ब्रांड्स की ब्रांड एंडोर्समेंट्स का भी अच्छा खासा चार्ज करते हैं। इसके साथ साथ इनका अपना एक फैशन लेबल रॉन्ग भी मौजूद है और इनकी अपनी जिम और फिटनेस सेंटर्स की एक पूरी चेन मौजूद है जिसका नाम चीजल है। इस फिटनेस सेंटर की चेन के लिए इन्होंने 13 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स इन्वेस्ट किया था। अगर आप समझते हैं कि कोहली सिर्फ क्रिकेट से ही कमा रहे हैं तो आप गलत हैं। विराट कोहली फुटबॉल क्लब मुंबई सिटी FC के भी मालिक हैं। इनके दो घर हैं, एक मुंबई में जबकि दूसरा गुरुग्राम में और आज इनकी कुल कीमत 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स के बराबर है। इसके साथ साथ आपको ये बात जानकर भी हैरत होगी कि विराट कोहली को अपनी एज के किसी भी नौजवान की तरह गाड़ियों का शौक है और इनके पास एक लंबी चौड़ी कलेक्शन मौजूद है। इनके पास एक ओडी R8 V10 प्लस मौजूद है, ओडी R8 LMX मौजूद है, ओडी A8L मौजूद है, ओडी Q8 और ओडी Q7 और ओडी RS5 भी मौजूद है क्योंकि ये भारत में ओडी के सबसे बड़े खुद ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा इनके पास एक टोयोटा फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर वोग, बेंटले कॉन्टिनेंटल GT जबकि बेंटले फ्लाइंग्स पर भी मौजूद है। अगर इनकी सिर्फ गाड़ियों की कुल कीमत कैलकुलेट की जाए तो वो बहुत से क्रिकेट बोर्ड्स के बजट से भी ज्यादा बन जाती है। नंबर 1, सचिन तेंदुलकर, उम्र 50 साल, नेटवर्थ 270 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स, मुल्क भारत। दोस्तों सचिन तेंदुलकर बिलाशुबा क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है जिन्होंने अपने तवील कैरियर में 100 सेंचुरियां स्कोर करने का अनोखा कारनामा भी अपने नाम किया। इनको आज सर डॉन ब्रैडमैन के साथ क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज के तौर पर जाना जाता है। इन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर में तकरीबन 35,000 रन बनाए जबकि 200 से ज्यादा विकेटें भी हासिल की हैं। अपने क्रिकेट कैरियर के दौरान वो एक लंबा अरसा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे और इन्होंने बहुत सी जगहों से पैसा कमाया। वो बहुत सी कंपनियों के मालिक भी हैं और बहुत सी कंपनियों को स्पॉन्सर भी करते हैं। आप सचिन तेंदुलकर के अमीर होने का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भारत में बिकने वाली चंद पहली फरारी कारों में से एक सचिन तेंदुलकर ने खरीदी थी जब वो 25 साल से भी कम उम्र थे। इसके साथ साथ वो एंडोर्समेंट्स, TV प्रमोशंस और अपने बिजनेस वेंचर से भी कमा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर BMW ब्रांड के बहुत ही बड़े शौकीन हैं और आज इनके पास 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा की स्पोर्ट्स और लग्जरी कारें मौजूद हैं जिनमें एक फरारी 360 मॉडेना, एक निसान GTR, BMW i8, BMW M5, मर्सिडीज बेंस और BMW X5 भी शामिल हैं। इनके पास 500 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर जमीन भी मौजूद है जिसके बारे में अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया कि इन्होंने करना क्या है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 7 सबसे अमीर क्रिकेटर्स। अगर आप समझते हैं कोई ऐसा क्रिकेटर जिसका नाम इस लिस्ट पर होना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।